मेरे वालों सारे नूं सति श्री अकाल। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है, मैं ब्लाक जगराम तो स्पैशल एजुकेटर हाँ। अज मैं विशेष लोड़ा वाले बच्चों लिए एक एक्टिविटी लैके आई हाँ, जिस विच फाइन मोटर अते आई हैंड कोआर्डीनेशन जिन्हां दी डिवेलप नहीं हुंदी उन्हां लिए एक छोटी जिही एक्टिविटी है। इसलिए जो समग्री की लोड़ है वो इस प्रकार है, जिस तरह बंटे, राजमा, काले छोले ते रबड़ बैंड। आपां आई हैंड कोआर्डीनेशन ते ग्रिपिंग दी इंप्रूवमेंट करने लई सब तो पहला आपां मोटी चीज़ तो शुरू करांगे। इस बंटे नूं आपां इस रबड़ बैंड दे विच पावांगे। इस तरह बच्चा अपनी इंप्रूवमेंट करेगा, बच्चे की ग्रिपिंग बहुत वधिया होगी, बच्चा बहुत ही इंटरस्ट दे नाल इसनूं करेगा और सीखेगा। बच्चे की आई हैंड कोआर्डीनेशन भी सही होगी, बच्चा बड़े ध्यान नाल इसनूं पाउण की कोशिश करेगा। यह आपां बच्चे नूं खेड विधि राहीं भी सिखा सकते हाँ। इस तरह बच्चा पूरे बंटियां नूं रबड़ बैंड दे विच बड़े ही सही तरीके दे नाल पावेगा। इस तो बाद आपां ब्रीक, जिवें पहला मोटे लिते सी हुण ब्रीक लवांगे। यह ब्रीक दी चक के आपां इस नूं रबड़ बैंड दे विच पावांगे। इस तरह बच्चे दी जिहड़ी ग्रिपिंग है सही होगी। बहुत ही वधिया तरीके नाल बच्चा इसनों पकड़ेगा और रबड़ बैंड दे विच पावेगा। इस तरह बच्चे की ग्रिपिंग विच सुधार आवेगा। आपां राजमा तो ब्रीक चीज़ जिवें चने हो गए यह लवांगे। इस तरह आपां चने नूं कला कला चक के रबड़ बैंड दे विच पावांगे। ये ब्रीक होने दे नाल बच्चे की ग्रिपिंग विच भी बहुत वधिया तरीके नाल सुधार आवेगा। बच्चा बहुत ही इंटरस्ट नाल इसनों पाएगा अते बहुत वधिया सीख जाएगा। बच्चे की ग्रिपिंग विच बहुत वधिया सुधार आएगा। मैं उम्मीद करती हाँ कि तुसी ये एक्टिविटी बहुत वधिया तरीके नाल सीख गए होंगे और तुसी बच्चियां नूं इस तरह घर विच रह के सिखाओगे। इस तरह बच्चियां दी आई हैंड कोआर्डीनेशन अते ग्रिपिंग बहुत वधिया तरीके नाल इंप्रूवमेंट होगी, बच्चा बहुत ही वधिया तरीके सीख जाएगा। धन्यवाद जी।